ऐसे में मुझे प्यास लगी थी। प्यास लगी थी, जो भी करना है बाद में करना। हाँ। पहले हमें हमारा नेक दीजिए। जल्दी 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 जेब दीजिए। कहाँ है? जल्दी निकाल। ओके ओके, देखो दोनों ना समझाओ अपनी बीवी को। भैया मेरा नेक निकालो प्लीज। कभी कभी मुझे लगता है तो सच में मेरी बहन है। सोच ओके। ये ले तेरा नेक बहना। चलिए भैया अब अपने कमरे में चलिए। भाभी असली नेक तो मुझे मिलेगा, आफ्टर ऑल इतनी मेहनत जो की है मैंने ये शादी कराने के लिए। इससे पहले कि शिवान सर यहाँ आए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। चलिए चलिए भाभी आपका इंतजार कर रही है। सोनिया मैं सर के सामने गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं सोनिया नहीं मन्नत हूँ। हाय रब्बा, मुझे देखते ही सर की तीसरी आंख खुल जाएगी और उसके बाद सर 3-4 बार मेरा मर्डर कर देंगे। सोनिया कहाँ हो? सोनिया कहाँ गई हो? शायद वॉशरूम में गई होगी। अरे तुम यहां क्या कर रही हो? कुछ चाहिए बेटा? तू बाहर क्यों आ गई? शर्मा रही हो शायद। होता है होता है। जब मेरी भी शादी हुई थी ना तो मैं ऐसे ही घबरा गई थी, पर बेटा हमारी तो अरेंज मैरिज थी। पर तुम और शिवांश तो एक दूसरे को पहले से जानते हो, फिर क्यों घबरा रही हो? चल अंदर जाओ, शिवांश इंतजार कर रहा होगा। चलो जाओ जाओ बेटा। कहाँ चली गई थी तुम? चलो मुझे तुमसे बात करनी है। कम आगे क्या करना है कैसे करना है डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या हुआ? तुम कुछ बोल नहीं? सोने ये घूंघट क्यों उड़ रखा है तुमने यार? निकालो अभी। कम ऑन सोने। तुम यहां इन कपड़ों में? सोनिया कहां है? मैंने पूछा सोनिया कहां है? क्या मजाक है? तुम सोनिया के कपड़ों में क्या कर रही हो? एक सेकंड, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? एक मिनट एक मिनट। इसका मतलब मंडप में सोनिया की जगह तुम
तुम? मेरी शादी सोनिया से नहीं, तुमसे। जैसे आपने मुझसे बदला लिया वैसे ही मैं आपसे बदला लूंगी। इतनी बड़ी साजिश, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची। सर, मैंने आपसे कोई बदला नहीं लिया, मुझे किसी ने ब्लैकमेल किया इसलिए मैंने ये सब किया। आप क्या कहते हैं, कोई साजिश रच रहा है? मैंने आपसे कल बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन अपना झूठ बंद करो। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ओके, बस बस, झूठ और धोखा तुम्हारे खून में। जब से तुम उससे मिली हो ना, जब से तुम यहाँ पर आई हो पहली बार, झूठ बोलते आई हो। और ये तुम्हारे नकली आंसू सबको बेवकूफ बनाने के लिए, सबको बेवकूफ बनाने के लिए। तुम्हारी वजह से मेरी बहन राधिका मरते मरते बची, तुम्हारी वजह से हानी की शादी टूट गई और तुमने मेरी मेडिकल रिपोर्ट लीक की, और उसके बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने सोनिया को मैनिपुलेट करके खुद मुझसे शादी कर ली।